बीबीडी आपका बहुत ज्यादा पड़ेगा यहाँ से 5 किलोमीटर, और कमता चौरा पड़ेगा आपका 6 से 7। जुग्गो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, जुग्गो रेलवे स्टेशन जैसे आपने ये गेट लगा रखा था, ये पूरी गेटेड कॉलोनी जी, गेटेड कॉलोनी है। अभी क्या आप ले रहे हैं तो 820x40 का प्लॉट मिल जाएगा। पुरानी साइट थी, उससे रेफरेंस से काफी लोग यहाँ पर लिए भी हैं। तो ये आप जो बाउंड्री देख रहे हैं, जितने बड़े बड़े बाउंड्री हुए हैं। हाय फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डी एन प्रो ब्लॉग पर, जहाँ पर आज एक नई प्रॉपर्टी लेकर के आ गए। आज जो हम लोग प्रोजेक्ट लेकर के आ गए, खासकर फैजाबाद रोड वालों के लिए होने वाला है। और फैजाबाद रोड पे पास में आपने देखा होगा आउटरिंग रोड का एरिया जाता है, तो ठीक उसी के पास में साइड है, जैसे सामने देख रहे हैं आउटरिंग रोड, जिसकी डिस्टेंस भी छोड़ कर हम लोगों ने प्लॉटिंग यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। और साइड भी बहुत अच्छी है, डेवलप भी लगातार यहाँ पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दिखाते हैं आसपास की लोकेलिटी में क्या क्या चीज़ें पड़ जा रही है, उसके बाद बात करेंगे हम साइड की डिटेलिंग की, साइड में क्या डिटेल कैसे मिल जाती है और कैसे आप प्लॉट खरीद सकते हैं। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, दिखाते हैं आसपास का एरिया, उसके बाद बात करते हैं साइड की डीलिंग में, साइड में क्या क्या सुविधाएं कैसे मिल जाए। जैसे कि आपने देखा, हमने आपको आसपास की यहाँ के नियरेस्ट की लोकेशन दिखाई। आज हमारे साथ में सनी सर, जो कि साइट के बारे में आपको बताएंगे, साइट में डिटेलिंग क्या मिल जाती है और कैसे यहाँ पे आप प्लॉट खरीद सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले हमारी फैमिली को तो इसकी लोकेशन क्लियर करिए, इसकी लोकेशन क्या जाती है? सर ये जो लोकेशन लग रहा है, ये मेहोरा गांव लगता है, ठीक है, बाकी जो गोमती नगर में ही लगता है, न्यू गोमती नगर। और ये जो हम लोग का प्रोजेक्ट है, ये रोहतक ग्रीन्स के नाम से चल रहा है। बाकी आप इस सामने देख रहे हैं किसान पथ, ये जस्ट सामने किसान पथ आउटर रोड का एरिया जाता है जी। आप इधर सीधे आप चले जाएंगे, 4 किलोमीटर अयोध्या रोड निकल जाएंगे, ठीक है, और बाकी इधर सीधा आप जाएंगे फैजाबाद, सॉरी सुल्तानपुर रोड निकल जाएंगे, सुल्तानपुर रोड आ जाता है एरिया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से जैसे नियरेस्ट में बात कर लेते हैं, बीबीडी की या फिर पॉलिटेक्निक या कमता की बात कर लेते हैं, तो इनकी क्या डिस्टेंस आ जाती है? बीबीडी आपका बहुत ज़्यादा पड़ेगा यहाँ से 5 किलोमीटर, और कमता चौरा पड़ेगा आपका 6 से 7 किलोमीटर, ठीक है। और बहुत से लोग जैसे बाहर के रहने वाले हैं, तो खासकर वो चार बाग से डिस्टेंस जाना चाहते हैं, चार बाग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्या डिस्टेंस आ जाती है? चार बाग से सर पड़ेगा 15-16 किलोमीटर, 15-16 किलोमीटर की रेंज में आ जाता है ये, जिसकी कनेक्टिविटी रिंग रोड से होते बंदे से होते हुए भी जा सकते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसकी कनेक्टिविटी बन रही है जी। अदरवाइज यहाँ से नियरेस्ट में अगर कुछ स्कूल या कुछ कॉलेज अगर आसपास में पढ़ जा रहे हैं, उनके भी कुछ नाम अभी आप देखेंगे, इधर बगल में अगर स्कूल देख रहे हैं तो बीबीडी कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज, मेडिकल का पूरा हबी है अयोध्या रोड पे। बाकी अगर स्टेशन देखेंगे नियर में, तो जुग्गो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, जुग्गो रेलवे स्टेशन यहाँ से पड़ेगा 1 से 1.5 किलोमीटर, जुग्गो रेलवे स्टेशन। इसकी अगर रजिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो ये लखनऊ आती है, बाराबंकी में आता है? नहीं सर, लखनऊ में है इसकी रजिस्ट्री, जो होगी सदर में होगी, इसकी तहसील सदर लगती है केशरबाग, ठीक है। अभी सोसाइटी में हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे आपने ये गेट लगा रखा, तो ये पूरी गेटेड कॉलोनी जी, गेटेड कॉलोनी है। अभी क्या है, हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जमीन पीछे हम लोग को मिलती जा रही है, जितना हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, जिधर बेच सेल करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, जैसे बेचते जा रहे हैं वैसे काम करते जा रहे हैं। इन सभी पे आगे हम लग रहा है अपने डामर रोड का भी काम, आगे हम लोगों ने डामर रोड बना दिया है। ये मेन रोड 30 फीट दे रहे हैं, अंदर जो है सारी रोड है वो 25 फीट की है। अच्छा, मेन रोड 30 फीट की, अदरवाइज जितनी रोड है सब 25 फीट की रोड है जी। यहाँ पे प्लॉट की अगर हम लोग डायमेंशन की बात कर लेते हैं, प्लॉट का डायमेंशन क्या दे रखा है? सर हमारे यहाँ जो डायमेंशन है, जैसे छोटे प्लॉट जिसमें 40 का है और 50 का है और 45 का है, तीन लेंथ में है, बाकी फ्रंट जितना आप बढ़ाएंगे उतना बढ़ जाएगा, जितना एरिया सबसे प्लॉट मिल जाएगा। सबसे छोटे अगर प्लॉट की बात कर लेते हैं, क्या साइज मिल जाता है? मिनिमम आप ले रहे तो 820x40 का प्लॉट मिल जाएगा आपको, 20x40 का प्लॉट मिल जाएगा। हम लोग बात करते हैं जैसे यहाँ डेवलपमेंट की, अगर तो डेवलपमेंट में आप लोग टोटल चीजें क्या क्या करके दे रहे हैं, कैसे? सर देखिए, हम लोग डामर रोड बना के देंगे आपको, ठीक है, जैसे ये डामर रोड बना के देंगे पूरी कॉलोनी में, लाइट वगैरह हम आपको दे देंगे और नाली बना के देंगे। आगे अभी पार्क नहीं दे रहे हैं, आगे जमीन जो हम लोग मैनेज करेंगे तो उसमें एक पार्क भी दे देंगे। अच्छा, ग्रीनरी का भी एरिया रहेगा, पार्क का भी एरिया रहेगा जी जी, ठीक है। ये टोटल अगर देखा जाए ओवरऑल कितने बीघे की सोसाइटी जा रही है? सर अभी तो 15 से 20 बीघे की जमीन है, अब धीरे धीरे हम लोग जैसे सेल आउट करते जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है।
और यहाँ पे अधिकतर जैसे लेने वालों की बात कर लेते हैं तो हमने ज्यादातर कहाँ के लोग रहने वाले हैं? अभी सर इधर फैजाबाद रोड के ही ज्यादातर हैं, और हम लोग की जो पुरानी साइट थी उससे रेफरेंस से काफी लोग यहाँ पर लिए भी हैं। तो ये आप जो बाउंड्री देख रहे हैं, जितने बड़े बड़े बाउंड्री हुए हैं, ये सब रजिस्ट्री करा चुके हैं। अच्छा, पुरानी साइट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कहाँ आपने पहले कंप्लेंट? सर ये हम लोग का साइट था लोनापुर में, रोहतक ग्रीन्स के नाम से चल रहा था। वहाँ लगभग हम लोगों ने 50 बीघा बेचा है। वहाँ पे मौके पे आप जाके देखेंगे, वहाँ डामर रोड, लाइट सब कुछ है, लोग रह भी रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, वहाँ चीजें आपने मतलब कंप्लीट कर दिया, जो कमिटमेंट हुए थे वो कंप्लीट हो चुका जी, बिल्कुल। अभी यहाँ पे चल रहा है जी, हम लोग यहाँ जो जमीने आपने खरीद रखा है या फिर जो भी खरीद रहे हैं, क्या वो दाखिल खारिज रहने वाले हैं या फिर आवासीय भी रहेंगे? नहीं सर, सब दाखिल खारिज जमीन है, कंपनी के नाम दाखिल खारिज है। आप जो भी रजिस्ट्री कराएगा उसके नाम दाखिल खारिज हो जाएगा। अच्छा, और कंपनी ही रजिस्ट्री करेगी, किसान से कोई लेना देना मतलब कोई परचेजिंग नहीं है? नहीं, कोई एग्रीमेंट वाला सिस्टम नहीं हम लोग के यहाँ। टोकन अमाउंट पे हम लोग कब्जा दे रहे हैं यहाँ पर। टोकन क्या कर सकते हैं, कितने अमाउंट? सर 21 से 51 हज़ार आप देखे आप प्लॉट होल्ड कर सकते हैं हमारे यहाँ, और लोन का भी ऑप्शन है, आप लोन भी करा सकते हैं। आपका ICICFC लोन भी कर देगी, आधार है, आधार कर देगी, तो लोन भी हो जा रहा है इजिली। ठीक है, यहाँ के अगर लीगल अथॉरिटी की बात कर लेते हैं, जैसे अप्रूवल अगर बात कर लेते, किस किन के तहत ये अप्रूवल ली गई? सर ये जिला पंचायत से अप्रूव्ड है साइट। अच्छा, ये जिला पंचायत से अप्रूव्ड साइट है जी, पूरी तरह से कंप्लीट है जी। इसमें आप लोग जो जो सुविधाएं बोले, डामर रोड, लाइट, नाली, पार्क, इन सभी चीजों का आगे चल जी, बिल्कुल। डामर रोड तो बना ही दिए हैं, जैसे जैसे हम लोग की और भी जमीनें आ रही हैं तो उस पर भी। साइड में ये नए पैच आए हुए, तो ये हम लोग का लगभग 5-5 बीघे जमीन आई है। तो ये भी दाखिल खारिज रहने वाला है जी? जी, सब दाखिल खारिज। जो भी जमीन है कंपनी के नाम परचेस होती है जी, कंपनी के ही नाम परचेस है। उतना ही हम लोग सर, जितना कंपनी के नाम जमीन है उतना ही हम लोग सेल करते हैं। अभी हम लोग देखें तो डेवलपमेंट तो आपने काफी अच्छा किया हुआ है, साइड भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल जाती है, सामने रिंग रोड मिल जाती जी, बिल्कुल। अगर हम लोग अभी इसके प्राइस की बात कर लेते तो प्राइस क्या रखा है आपने? सर 1349 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है यहाँ पर, बाकी रेट निगोशिएबल है। अच्छा, रेट निगोशिएबल मतलब फिक्स नहीं है? ऑन द टेबल जब बैठ के बात होगी तो थोड़ा बहुत जो भी गुंजाइश होगा वो हम कर देंगे। अच्छा, गुंजाइश रहती मतलब वो फिक्स नहीं है, अमाउंट हो जाएगा थोड़ा बहुत जो भी होता है बातचीत के ऊपर वो हो जाता है जी। यहाँ पर क्या कॉर्नर प्लॉट की भी अवेलेबिलिटी होगी? जी, कॉर्नर मिल जाएगा आपको। कॉर्नर पे क्या रेट रहने वाला है? कॉर्नर का सर 10% PLC एक्स्ट्रा लगेगा। अच्छा, जो भी ये कॉर्नर, तो इस पे 10% एक्स्ट्रा PLC, बिल्कुल। इस साइड में हम लोग के पास ईस्ट और वेस्ट फेसिंग में मिल जाएगा प्लॉट। अच्छा, कॉर्नर का मिल जाएगा। क्या साइज रहने वाला है कॉर्नर का? सर एक की लेंथ आपकी पड़ेगी 40 में और एक में 50 में है। अच्छा, टोटल एरिया अगर देखें कितने कम से कम कॉर्नर ले सकते हैं साइज? सर मिनिमम आप ले रहे हैं 1500 आपको कॉर्नर मिल जाएगा। अच्छा, उसके ऊपर जितना भी आप बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर कुछ भी बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। अधिकतर जैसे देखा जाए यहाँ पे लोग रहने वाले कहाँ के और अधिकतर लेने वाले जैसे किस विभाग के या फिर किस? सर देखिए हमारे यहाँ पिछली साइड में हम लोगों ने बेचा था मैक्सिमम जो डॉक्टर हैं, पुलिस में हैं, और ठीक ठाक जो कुछ बैंक वाले भी हैं, अच्छी कम्युनिटी के लोगों को लमसम आपने प्लॉट दिया जी, बिल्कुल। और उसी प्रकार से यहाँ भी बसाया जाए, बिल्कुल बिल्कुल। भी हम लोग जैसे यहाँ पे कोई 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट परचेस कर रहा है जी, तो उनके रजिस्ट्री के अगर हम लोग खर्च की बात कर लेते हैं तो रजिस्ट्री क्या खर्चा आ जाता होगा? सर देखिए अगर आप एक नंबर में रजिस्ट्री करा रहे हैं, जैसे उसमें तो 7% टाइम का लगता है और 1% कोर्ट फीस लगता है, बाकी एडवोकेट फीस। ठीक है, अगर 1000 स्क्वायर फीट पे देखा जाए मोटा मोटा क्या खर्चा आ जाता है अगर सर्कुलेट पे कराते हैं या फिर फुल पेमेंट पे कराते हैं? अगर सर्कुलेट पे आप करा रहे हैं तो 30-35 हज़ार में आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप सर्कुलेट से एक नंबर में देके बाकी कैश करके, और अगर एक नंबर में कराते तो उसके हिसाब से आपका 50-60 हज़ार रुपये लग जाएगा। अच्छा, जो कि लोन कराएंगे तो उनका टोटल एक नंबर में उस हिसाब से आपका 7% टाइम का बनेगा, कोर्ट फीस 1% बनेगी, बाकी एडवोकेट फीस 5000 रुपये। इस तरह से हो जाती है। बाउंडरी वॉल का जो काम होता है वो आप खुद कराते हैं स्वयं या फिर कस्टमर? नहीं, क्लाइंट अगर जैसे मान लो खुद करा सकता है, बाकी अगर उसके पास टाइम नहीं है तो हम लोग करवा के भी दे देते हैं, करवा के दे सकते हैं। हाँ, जो भी चार्जेस लगे उसको देना पड़ेगा। अच्छा, पे करके अपनी बाउंड्री करा सकता है। बिल्कुल, बाकी हम डिमार्क करके दे देंगे कि अगर आप प्लॉट बुक करो 1000, 1200, 1500 तो एक डिमार्केशन हम कर देंगे आपको। निशान मतलब लग जाएगा उसका, प्लॉट का डैमेज आपका ये प्लॉट है, बाकी आप उस पर बाउंड्री करा लीजिए, घर बनाइए, वो आपकी इच्छा। जैसे कि आपने देखा यहाँ के बारे में, सर ने बताया कि क्या डीलिंग और कैसे यहाँ पे प्लॉट खरीद सकते हैं, तो क्या रेट रहने वाला? रेट भी बहुत अच्छा दिया गया है, आसपास की लोकलिटी को देखा जाए तो रेट काफ़ी कम रखा गया है। तो यहाँ पे अगर आप प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद।